स्वामी विवेकानंद भारत के दैदीप्यमान गगन का एक ऐसा सितारा जिसने 39 वर्ष की कम उम्र में ही भारत को वैश्विक मंच में शीर्ष स्थान पर स्थापित कर दिया था। सामाजिक वेदांती विवेकानंद के व्यक्तित्व और दर्शन को समझने की कोशिश में मैं ज्ञानेंद्र पांडे अपने इस सफर में आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा ऐसे कुछ व्यक्तियों से जिनके साथ हमने इस सफर में विवेकानंद के बारे में कुछ समझने की कोशिश की। कलकत्ता, कलकत्ता या कोलकाता नाम कोई भी हो, जगह एक ही है और ये वही जगह है जहां गंगा हिमालय की गोद से निकलकर बंगाल की खाड़ी में महासमाधि ले लेती है। कई संस्कृतियों का गवाह रहे इसी कोलकाता शहर के गंगा नदी के तट पर ही देश के कई महापुरुषों ने भी गंगा के साथ ही महासमाधि ली थी। उनमें एक नाम स्वामी विवेकानंद का भी था और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने भी गंगा नदी के तट पर ही महासमाधि ली थी। सोमवार 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति सूर्योदय के साथ ही कलकत्ता की धरती पर एक नन्हे सूर्य का उदय हुआ। इस नन्हे सूर्य के पिता विश्वनाथ दत्त शहर के प्रख्यात वकील और माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। भगवान शंकर की आराधना और कृपा से पुत्र की प्राप्ति के चलते मां ने जन्म के समय बालक को नाम दिया विश्वेश्वर। समय के साथ नाम में बदलाव हुआ और अन्न प्राशन संस्कार के समय बालक विश्वेश्वर, जिसे उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी प्यार से बिल्ले भी पुकारा करती थी, नरेंद्र नाथ दत्त बन गए। हमारे जो रिलिक्स है वो नरेंद्र, जो स्वामी जी के प्री मोनास्टिक, जहाँ में भी नरेंद्र मुझको अपना कंधों पर लेकर जाएगा मैं वहाँ पर रहूँगा। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के महासमाधि के बाद स्वामी जी अस्थि कलश जो है, जो बर्तन में श्री रामकृष्ण का रिलिक्स रखा हुआ था, उसको अपना कंधों पर लेकर आके बेलूर मठ प्रतिष्ठा की। नरेंद्र को घर वाले प्यार से नरेंद्र कहकर भी पुकारा करते थे। यही नरेंद्र बाद में विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको यह नाम दिया था खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह ने। नटखट लेकिन कुशाग्र बुद्धि के इस विलक्षण बालक ने किशोरावस्था में कदम रखते ही धर्म और आध्यात्म के विषयों पर गंभीर चिंतन शुरू कर दिया। मानवता के प्रति अपनी निष्ठा और लगन के चलते ही नरेंद्र ने धर्म का रुख समाज में फैली विषमता का उन्मूलन करने की ओर कर दिया। यही कारण था कि भिक्षावृत्ति के लिए दरवाजे पर आने वाले साधु सन्यासियों को उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और आभूषण दान करने शुरू कर दिए। कसरती कदकाठी के युवा नरेंद्र का व्यक्तित्व अपने हम उम्र किशोरों से कुछ अलग तरह का था। स्वामी जी यहाँ की जो मरीना बीच है वहाँ पे जाया करते थे सुबह या शाम को घूमने के लिए। मरीना बीच में उन्होंने स्नान किया और एक बड़ा सुंदर एक छोटा सा एक उनकी घटना है उनके जीवन की, कि जो मरीना बीच में थे तो कुछ लोग कुश्ती लड़ रहे थे और स्वामी जी खड़े होकर देख रहे थे। तो एक ने किसी ने कहा, अरे क्या आपको कुश्ती आती है? तो स्वामी जी ने कहा, देख सकता हूँ, बहुत दिन से किया नहीं। तो उन्होंने कहा, आइए फिर दो हाथ हो जाएँ। तो स्वामी जी दंगल में वो उतर पड़े और क्योंकि वो पहले जब वो थे
कलकत्ता में, तब तो कुश्ती और पहलवानी सब करते थे, तो उनको तो दांव पेच आते थे और शक्ति भी थी। तो उन्होंने फिर जिसके साथ युद्ध हुआ उसको हरा दिया। आध्यात्म और दर्शन के साथ ही गीत और संगीत में भी प्रवीण होने की अपनी प्रतिभा के बल पर नरेंद्र किसी को भी सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते थे। तार्किक क्षमता के धनी नरेंद्र किसी भी सिद्धांत या विचार को तर्क की कसौटी पर ही कसकर स्वीकार करते थे। अपनी इसी आदत के बल पर उन्होंने जीवन के हर विषय का विशद अध्ययन किया और हमेशा इसी सत्य की खोज में लगे रहे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और इसका उपयोग संसार में कैसे किया जा सकता है। इसी के साथ ही समाज में ईश्वर के अस्तित्व को पहचानने में भी उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। अपने हम उम्र साथियों के साथ तप और साधना भी उन्होंने की। समाज में व्याप्त गरीबी, भुखमरी, जातीय विषमता, विपन्नता, छुआछूत और आर्थिक असमानता जैसी बुराइयों को लेकर भी उनका मन विचलित रहता था। इन तमाम सवालों का जवाब खोजने की जिज्ञासा में नरेंद्र ने केशव चंद्र सेन से लेकर ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय और अग्रणी समाज सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर तक सभी महापुरुषों के विचारों को गंभीरता से पढ़ने और समझने की कोशिश भी की, लेकिन उनको अपने सवालों का सही जवाब कहीं से भी नहीं मिल सका। कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन स्कॉटिश चर्च स्कूल, जनरल असेंबली कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज के साथ ही कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी स्कूली, कॉलेज और वकालत की शिक्षा पाने वाले इस बालक नरेंद्र नाथ को उनके तमाम सवालों के जवाब मिले दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस थे। गंगा नदी के उस पार दक्षिणेश्वर का काली मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल है जिसकी स्थापना रानी राजवड़ी ने की थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस यहाँ पुजारी की हैसियत से काम करते थे और यहीं नरेंद्र की मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई थी और बाद में वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने। रामकृष्ण के बारे में उनको जनरल असेंबली कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने बताया था। कहते हैं कि एक दिन विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द एक्सकर्शन की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर हेस्टी ने अपने प्रिय और प्रतिभावान शिष्य नरेंद्र से कहा था कि कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर मंदिर में रहने वाले साधु रामकृष्ण उनकी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण की चर्चा उन्होंने अपने चचेरे भाई रामचंद्र दत्त से भी सुन रखी थी। 1881 के आसपास एक बार जब सिमुलिया मोहल्ले में ही सुरेंद्र नाथ दत्त के घर नरेंद्र की संयोगवश स्वामी रामकृष्ण से मुलाकात हो गई और नरेंद्र का भजन सुनकर स्वामी रामकृष्ण अपनी सुध-बुध खो बैठे तो गुरु शिष्य के परस्पर मिलन का सिलसिला शुरू हो गया। दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण के साथ अपनी पहली मुलाकात में तो नरेंद्र को लगा कि ये स्वामी मानसिक रूप से बीमार किस्म के व्यक्ति हैं, फिर भी उनके प्रति एक विशेष आकर्षण के चलते नरेंद्र का मन उनसे बार बार मिलने को विचलने लगा। कई बार की मुलाकातों के दौरान एक बार नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण से यूं ही पूछ लिया कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है, और जब रामकृष्ण ने कहा हाँ मैंने ईश्वर को वैसे ही देखा है जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ, तब से नरेंद्र उनके शरणागत हो गए। रामकृष्ण परमहंस देव जी के पास जब यंग नरेंद्रनाथ आते हैं और उनका जो ट्रेनिंग शुरू होता है, शायद वो ट्रेनिंग, वो मेकिंग ऑफ विवेकानंद पूरा होता है, उनकी जो वांडरिंग मॉन्क की जो लाइफ है, परिव्राजक जीवन है, जिसमें करीबन 5 साल वो हिंदुस्तान के विस्तार से भ्रमण करते हैं, वो बड़ा शैक्षणिक रहा है उनके लिए, और वही आगे आने वाले समय में स्वामी विवेकानंद के रूप में
उभर के आता है। नरेंद्र को सन 1884 में तब सबसे बड़ा आघात लगा जब अचानक उनके पिता विश्वनाथ दत्त का निधन हो गया। पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करते हुए 2 जून की रोटी के लाले पड़ने की नौबत आ गई थी। तब नरेंद्र ने पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए रामकृष्ण से चर्चा की और रामकृष्ण के कहने पर वह दक्षिणेश्वर की माँ काली से अपने पारिवारिक संकटों को हल करने की प्रार्थना करने चले गए। पर 3 बार देवी की मूर्ति के पास जाने के बावजूद एक बार भी उनके मुंह से धन संपत्ति की बात नहीं निकली। हर बार वह यही मांगते रहे कि देवी उन्हें भक्ति और ज्ञान दें। स्वामी रामकृष्ण के प्रति समर्पण का ही भाव था कि नरेंद्र ने अपने गुरु की बीमारी के दिनों में भी उनका साथ नहीं छोड़ा और अपने 1 दर्जन से अधिक गुरु भाइयों के साथ उनकी पूरी सेवा भी की। इसी दौरान एक बार नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण से अपनी मुक्ति और निर्विकल्प समाधि का वर मांगा। तब रामकृष्ण ने धिक्कारते हुए उनसे कहा, नरेंद्र तुम अपनी मुक्ति के लिए नहीं संसार की मुक्ति के लिए पैदा हुए हो। रामकृष्ण की इन्हीं बातों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्होंने अपना जीवन जन कल्याण को समर्पित कर दिया। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस ने अपनी तमाम आध्यात्मिक और दैवी शक्तियां नरेंद्र को सौंप दी। काशीपुर उद्यान निवास में अपनी बीमारी के दौरान ही रामकृष्ण ने अपने युवा शिष्यों को नरेंद्र के नेतृत्व में संगठित भी किया। नरेंद्र ने घर बार छोड़कर अपने सभी साथियों के साथ खुद अपना श्राद्ध कर वैराग्य ले लिया, भगवा वस्त्र धारण कर सन्यासी हो गए और नाम भी बदल दिया। 1886 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आठपुर के खुले आकाश में धूनी जलाकर सन्यास व्रत भी ले लिया। अब नरेंद्र स्वामी विविदिशानंद बन गए थे। अपने गुरु की मृत्यु के 1-2 साल बाद ही नरेंद्र से विविदिशानंद बने स्वामी को याद आया कि उनके गुरु ने उनसे अपने मोक्ष के लिए नहीं जगत का कल्याण करने की बात कही थी। गुरु की बात का स्मरण होते ही स्वामी नरेंद्र उर्फ विविदिशानंद जुलाई 1890 को स्वामी रामकृष्ण की सहधर्मिणी माँ शारदा देवी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर निकल पड़े विश्व भ्रमण को। स्वामी विवेकानंद के परिव्राजक जीवन का अगर विस्तार से देखें तो उसमें शायद हम 3 भाग में इसको बांट सकते हैं। पहले तो स्वामी जी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव उनकी जो गुरु है उनका देहांत के बाद वो लोग साधन भजन कर रहे थे, मगर स्वामी जी को लगा कि इस जो चारदीवारी है यहाँ से निकलकर और बंगाल की जो जाना पहचाना जो माहौल है उनसे निकलकर भारत भूमि के विस्तार में उनको खो जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद वो निकल पड़े परिव्राजक के रूप में, पूरे देश में भ्रमण किया। भ्रमण करते करते स्वामी जी पहुँचे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, वहाँ से कर्नाटक के होते हुए पहुँचे गोवा, गोवा से फिर बेंगलोर, फिर इस तरफ आए, फिर भी बाद में रामेश्वरम गए। बाद में 11 सितंबर 1893 को भारत के इसी स्वामी ने विवेकानंद के नाम से अमेरिका के शिकागो शहर में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। अपने पहले ही संबोधन में जब स्वामी विवेकानंद ने उस हॉल में मौजूद जनता को मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया तो पूरा हॉल काफी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। यहीं से विवेकानंद ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि विश्व
कि सभी धर्मों का उदय मानवता का कल्याण करने के लिए हुआ है, सभी धर्म एक जैसे हैं और सभी धर्मों के अवतार गुरु और पैगंबर, चाहे वो ईसा मसीह हों या हजरत मोहम्मद, गौतम बुद्ध हों या गुरु नानक, सभी ने इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ही अपने जीवन की कुर्बानी दी है। अपने इसी संदेश के प्रसार के लिए विवेकानंद ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया का व्यापक भ्रमण किया और अपने गुरु रामकृष्ण की स्मृति में स्थापित देश विदेश के सभी आश्रमों में इसी मूल की स्थापना भी की। रामकृष्ण मिशन या मठ के किसी भी मंदिर में सर्व धर्म संभाव की यह झलक आसानी से देखी जा सकती है। इन मंदिरों की छत में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और बौद्ध मठों के स्थापत्य का एक अद्भुत संगम है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत की सामाजिक व्याख्या करने के साथ ही यह भी कहा था कि वेदांत अमूर्त नहीं है, व्यावहारिक है और इसका उपयोग मानव मात्र के कल्याण के लिए होना चाहिए। भारत अपने में एक राष्ट्र के रूप में, एक सिविलाइजेशन के रूप में एक मजबूत उसकी एक परिभाषा हो, एक उसकी पहचान हो, और इसके लिए वो ये कहते थे कि देवी देवताओं का तो आपने बहुत सालों तक वो कर लिया, आप उसको छोड़िए, भारत माता का उसी को आप अपनी आराध्य देवी माने और भारत के विकास के लिए कार्य करें। स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन जो लोग मूर्ति पूजक हैं उनकी निंदा भी उन्होंने कभी नहीं की, पर सच्चाई यह है कि मानवता के सामने उन्होंने मूर्तियों के अस्तित्व को जमकर नकारा भी। स्वामी विवेकानंद के पत्र शीर्षक पुस्तक में 30 मई 1897 को अल्मोड़ा से लिखे गए अपने एक पत्र में सेवा और धर्म को लेकर उनकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति इस रूप में दिखाई देती है। अन्य सब मूर्तियां तोड़ दो, दरिद्र नारायण की पूजा करो, मानवता की सेवा करो जो तुम्हारे भीतर भी है और बाहर भी, जो सभी हाथों से काम करता है और सभी पैरों से चलता है उसी की उपासना करो और अन्य सब मूर्तियां तोड़ दो। ऐसे सामाजिक वेदांती स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश में हमने भी भारत के कुछ समुद्र तटीय, रेगिस्तानी और हिमालयी क्षेत्रों का दौरा किया। स्वामी विवेकानंद को पहाड़ों से बहुत प्यार था और उनके इस पहाड़ प्रेम के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी था। उनका ये मानना था कि पहाड़ों से एक अलग किस्म की पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो तमाम तरह की नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म कर देती है। इसी पॉजिटिव एनर्जी की तलाश में स्वामी विवेकानंद ने यूरोप के आल्प्स पर्वत से लेकर भारत के हिमालय पर्वत तक दुनिया के तमाम पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा की। उनकी हिमालय यात्रा के संदर्भ में ही गढ़वाल हिमालय की यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ रहकर उन्होंने देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार समेत कई जगहों में तप और साधना भी की। दिल्ली प्रवास के दौरान रहे निवास की तलाश करने के साथ ही दिल्ली स्थित रामकृष्ण आश्रम, विवेकानंद केंद्र तथा अन्य स्थानों में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भी इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। दिल्ली में जब भी कोई धर्म समन्वय का कुछ प्रोग्राम होता है, वी आर द फर्स्ट पीपल टू बी इनवाइटेड टू रिप्रेजेंट हिंदुइज्म, क्योंकि उन लोग जानते हैं श्री रामकृष्ण देव ही स्टूड फॉर हारमोनी,
उन्होंने इतनी बड़ा हार्मोनाइजर थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हू सेड जितनी मत है उतनी पथ है, एज मेनी फेथ सो मेनी पाथ्स, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिक्लेयर। आप तो जानते हैं शिकागो धर्म सभा में स्वामी जी जिसे प्रकट किया पहली बार एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से, सब मत की जे समान एक आदर दिखाना, टू एक्सेप्ट एवरी रिलीजन एज इक्वली वैलिड पाथ टू रियलिटी। उस दिन से हम लोग कितनी हजार हजार प्रोग्राम में भाग ले चुके हैं। विवेकानंद फाउंडेशन में 5 सेंटर्स हैं एक्सीलेंस के, या 5 सेंटर्स हैं शोध कार्य के और स्टडी करने के। एक तो है भारत की स्ट्रेटजिक स्टडीज़ एंड भारत की जो कूटनीतिक ऑप्शंस हैं, भारत के भारत को विश्व व्यवस्था के अंदर में अपने आप को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। एक है नेबरहुड स्टडीज़, क्योंकि हम सोचते हैं कि भारत का एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, और भारत के चारों तरफ जो देश हैं उनके साथ में भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे एक भारत के, एक मजबूत भारत के लिए आवश्यक है। विवेकानंद केंद्र का कोई फंडामेंटल एक्टिविटीज़ भी है जो संगठन कार्य समाज का में जाते हुए समाज में स्वामी जी का विचार का संप्रेषण हो, उस दिशा से कुछ कार्य किए जाते हैं। तो उसमें संस्कार वर्ग होता है बच्चों के लिए, यूथ के लिए स्टडी सर्कल की एक्टिविटी होती है, और फिर जनरल बाकी जो लोग हैं उनको योगा वर्ग के माध्यम से जुड़ा जाता है। तो बच्चों में स्वामी जी का विचार जाए, देश के प्रति भक्ति हो, देश के प्रति कुछ करने की आग्रह हो, इस दिशा से किया जाता है। लेकिन क्या जो भी किया जाता है वो स्वामी जी के विचार से किया जाता है। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद, जो तब इस नाम से नहीं जाने जाते थे, दिल्ली के एक सेठ की बाड़ा हिंदू राव स्थित एक हवेली में रहे। यह हवेली अब ध्वस्त हो गई है, लेकिन कुछ निशान अभी बाकी हैं। स्वामी जी मेरठ से दिल्ली आए थे और कुछ दिन यहाँ रहने के बाद अपनी अगली यात्रा के लिए राजपुताना की राजधानी अलवर चले गए थे। इस बिल्डिंग के बारे में ये बताता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था उससे पहले जो हमारे पूर्वज थे वो बताते हैं कि यहाँ स्वामी विवेकानंद जी आकर ठहरे थे। वो मेरठ में थोड़ा बीमार होने के बाद यहाँ और ठहरे थे, यहाँ से वो अलवर चले गए। 1888 में नरेंद्रनाथ के रूप में स्वामी जी ने जब अपनी पहली अस्थायी तीर्थ यात्रा के लिए कलकत्ता से बाहर कदम रखा, तब वह वराह नगर से वाराणसी, लखनऊ, आगरा, वृंदावन, हाथरस और ऋषिकेश होते हुए फिर वापस वराहनगर चले आए थे। ऋषिकेश में भी बहुत प्रेरणादायी प्रसंग हैं, जहां उन्होंने चंद्रेश्वर महादेव के मंदिर में तपस्या की गुफा के अंदर, ये देखने के लिए कि क्या है कि गंगा की नदी में जब बाढ़ आता है, जब तक वो गुफा में प्रवेश नहीं कर लेता तब तक वो बाढ़ रिसीव नहीं करता। तो इसको साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए वो गुफा के अंदर उतने ही दिन तक तपस्या करते रहे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में और हरिद्वार, खासकर कनखल में स्वामी जी आए 1890 में, जब उनकी उम्र महज 27 साल थी, और ऋषिकेश में उन्होंने यहाँ पर साधना भी की, और जब यहाँ की परिस्थितियों से वो वाकिफ हुए तभी उन्होंने अपने शिष्य कल्याणानंद जी को ये आदेश दिया कि गरीबों की और असहायों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कनखल में की जाए, और उसी के परिप्रेक्ष्य में रामकृष्ण मिशन की वहाँ पर स्थापना हुई। और स्वामी विवेकानंद जी अपने विदेशी प्रवास से पहले भी और उसके बाद भी यहाँ आए और उन्होंने साधना की। हरिद्वार का जो कंखल का हॉस्पिटल है, स्वामी विवेकानंद का हॉस्पिटल, वो 1901 में एस्टैब्लिश हुआ। वो स्वामी विवेकानंद के जीवन में एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो भारतवर्ष में, क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में तो हो चुका था सैन फ्रांसिस्को में, भारतवर्ष में पहला हॉस्पिटल है जो स्वामी विवेकानंद के जीवन के समय उन्होंने 5 रुपये दिया और कहा, मैं जब गढ़वाल भ्रमण पर गया था उस समय मैंने देखा कि वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। यात्रा में लोग निकलते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, उनके गुरु भाई भी अस्वस्थ हो गया अखंडानंद जी, तो उनको मेरठ तक ले गए वो पैदल। तो ये उनके दिमाग में कहीं था, तो वो उस 5 रुपये के आधार पर उन्होंने हॉस्पिटल को स्थापित करवाया। उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में अल्मोड़ा एक ऐसा स्थान है जिसने सदियों से साहित्य, संस्कृति, संगीत और आध्यात्म से जुड़ी हुई
महान हस्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर स्वामी विवेकानंद तक ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अल्मोड़ा को अपना स्थायी प्रवास बनाया। स्वामी विवेकानंद ने तो अल्मोड़ा को एक तरीके से अपनी उत्तराखंड यात्रा का आधार ही बना लिया था। यहीं रहकर उन्होंने पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की यात्राएं की थीं। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन से ही हिमालय का ऊपर बहुत आकर्षण था। जब सन्यासी हुए एवं अल्मोड़ा में आए थे, अल्मोड़ा वासी लोगों को साथ उनका हृदयता का संपर्क हुआ था, फिर हिमालय घूम के मुग्ध हो गया। बाद में अमेरिका इंग्लैंड में घूमते घूमते स्वामी जी का सपना हुआ था हिमालय में मठ बनाएंगे। उस टाइम से चिट्ठी पत्र लिख के उनका दोस्त बोद्रीशा का साथ जोगाजोग किया। बाद में अल्मोड़ा में एक आश्रम स्थापन करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अल्मोड़ा टाउन का आसपास उतना सुंदर पसंद माफिक जगह नहीं मिला। जो आश्रम स्वामी जी स्थापना अल्मोड़ा में करने के लिए उत्सुक था, वो आश्रम चला गया मायावती में, अभी चंपावत जिला में। 1890 में उन्होंने एक बार फिर वराहनगर से प्रस्थान किया और अयोध्या से नैनीताल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश और देहरादून समेत उत्तर भारत के कई स्थानों का भ्रमण करते हुए मेरठ पहुंचे। बद्रीनाथ से लौटते हुए और श्रीनगर एक जगह है गढ़वाल का श्रीनगर, वहां से होते हुए वो देहरादून आए। तो देहरादून में बावड़ी शिव मंदिर पे उन्होंने देखा, एक शिव मंदिर में वो प्रदीप की रोशनी में एक स्वामी वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। नीचे आके देखते हैं कि वो तुरयानंद जी हैं जो उनके गुरु भाई थे। तो उनके साथ ये 13 अक्टूबर 1890 से 26 अक्टूबर 1890 तक देहरादून में ही रहे और देहरादून से निकल कर फिर मेरठ चले गए। इसी बीच उन्होंने गाजीपुर में पवहारी बाबा से भी भेंट की। मेरठ प्रवास के दौरान स्वामी जी कुछ दिन डॉक्टर त्रेडो के घोष के घर रहे और कुछ दिन एक सेठ जी के बगीचे में। मेरठ की तिलक लाइब्रेरी से भी उनका संपर्क रहा। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी आए और उन्होंने यहाँ आगे किताबों का अध्ययन किया, ग्रंथ वगैरह उन्होंने पढ़े। जब वो हर दिन आते थे यहाँ तो दो किताबें ले जाते थे यहाँ से, तो दो किताब मान लो शाम को ले गए तो सवेरे में ले आते थे उनको। यहाँ रहते हुए उन्होंने कई पुस्तकें पढ़ी और इन पुस्तकों पर अपनी टिप्पणी भी दर्ज की। स्वामी जी के मेरठ प्रवास के दौरान ही उनके कई गुरु भाई ब्रह्मानंद, अखंडानंद, तूर्यानंद, शारदानंद और अद्वैतानंद भी वहां इकट्ठे हो गए। स्वामी नरेंद्रनाथ या यूं कहें स्वामी विविदिशानंद एकांत चाहते थे, अकेले भारत भ्रमण करना चाहते थे। लिहाजा जनवरी 1891 के एक दिन उन्होंने अपने सभी गुरुभाइयों से कहा कि उन्हें अकेला छोड़ दें। पहले मेरठ में थे, मेरठ में काफ़ी सारे गुरु भाई उनके साथ थे, मगर जब वो मेरठ से चल के दिल्ली आए तब उनके साथ और कोई नहीं थे, वो अकेले थे। स्वामी जी ये कह कर आए थे अपने गुरु भाइयों को कि मुझे आगे चलने दो, आप लोग मुझे फॉलो मत करो। फरवरी 1891 में विवेकानंद दिल्ली से प्रस्थान कर राजस्थान के अलवर गए। अलवर में एक बंगाली डॉक्टर और एक रिटायर्ड इंजीनियर शंभुनाथ के संपर्क में रहकर हिंदू से लेकर मुसलमान सभी धर्मों के लोगों के साथ आध्यात्म की चर्चा की और धर्म दर्शन का ज्ञान दिया। स्वामी जी राजस्थान में सबसे पहले अलवर में आए तो वहाँ के राजा और प्रजा सभी उनसे प्रभावित हुए थे। जब स्वामी जी वहाँ से निकल के जयपुर की ओर चले तब बहुत सारे प्रजा लोग उनके पीछे चलते रहे। स्वामी जी बहुत दूर रुकते रुकते पैदल चलते चलते आखिर ट्रेन पकड़ के उन्होंने जयपुर आकर पहुँचे 1891 साल पे। अलवर के बाद स्वामी विवेकानंद का अगला पड़ाव बना जयपुर। जयपुर में कई दिन रहने के दौरान
उन्होंने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण को एक नई व्याख्या दी थी। जयपुर से निकलने के बाद स्वामी विवेकानंद ने अजमेर और माउंट आबू समेत राजस्थान के कई इलाकों का भ्रमण किया। इसी दौरान माउंट आबू में उनकी मुलाकात खेतड़ी नरेश अजीत सिंह से हो गई और माउंट आबू में कुछ दिन रहने के बाद राजा अजीत सिंह के कहने पर वह खेतड़ी चले आए। माउंट आबू एक बहुत इम्पोर्टेंट स्वामी जी के लाइफ में पड़ाव है, इसलिए कि उस टाइम माउंट आबू में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, जो कि बाद में स्वामी जी के बहुत बड़ा फॉलोअर रहे हैं उनकी जीवन के अंतिम दिन तक, वो माउंट आबू में मिलते हैं और स्वामी जी के द्वारा काफ़ी प्रभावित होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का खेतड़ी के साथ बहुत करीब संबंध था। उस समय जो खेतड़ी रियासत का राजा थे, राजा अजीत सिंह बहादुर, उन्होंने स्वामी जी को गुरु रूप से वर्णन किया था। जब उन्होंने माउंट आबू में विराजमान थे, स्वामी विवेकानंद जी भी परिव्राजक रूप से वहाँ पर पहुँचे थे माउंट आबू में, वहीं उनको पहली बार मुलाकात हुआ। उसके बाद राजा जी ने स्वामी विवेकानंद जी को खेतड़ी में लेके आए। नरेंद्रनाथ दत्त संन्यास लेने के बाद विविदिशानंद बने। विविदिशानंद ने जब एक सन्यासी के रूप में भारत भ्रमण किया, तब राजस्थान का खेतड़ी उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहाँ उनको न केवल शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला, बल्कि यहाँ के राजा अजीत सिंह ने उनको विवेकानंद नाम भी दिया। यही नहीं, इसी जगह मैनाबाई नामक एक नर्तकी ने नरेंद्रनाथ यानी विवेकानंद की मानव मूल्यों संबंधी धारणा ही बदल दी थी। खेतड़ी के राजा उनके अभिन्न मित्र बन गए और उन्हीं के कहने पर नरेंद्रनाथ दत्त, जो अब तक कभी एक अनाम साधु तो कभी केवल स्वामी जी तो कभी स्वामी विविदिशानंद के नाम से भ्रमण कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद बन गए। स्वामी विवेकानंद जी जो विवेकानंद नाम लिया था, वो भी खेतड़ी के राजा के सजेशन पे ही लिए थे। इसके पहले स्वामी जी स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी विविदिशानंद ऐसा नाम इस्तेमाल करते थे। खेतड़ी और विवेकानंद के संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि स्वामी जी शिकागो धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए जो कोटनुमा लंबा चोगा पहने दिखाई देते हैं, उसका डिजाइन राजा अजीत सिंह ने ही तैयार करवाया था। ड्रेस हम लोग देखते हैं, उनका पगड़ी छापा और उनका जो ड्रेस शिकागो में वो पहने हुए हम लोग फोटो में देखते हैं, तो वो सब राजा अजीत सिंह का ही देन है। राजा अजीत सिंह जी उनके लिए ये पूरा ड्रेस वगैरह, उनको जो जो चीज़ ज़रूरत हो सकता है उस समय, तो वो सब बहुत संसाधन सब उनको साथ में दिए थे। स्वामी विवेकानंद के विदेश जाने का इंतजाम तो दक्षिण भारत के अनेक राजाओं ने कर दिया था, इसलिए खेतड़ी नरेश के कहने के बाद भी स्वामी जी ने इस मद में उनकी आर्थिक मदद नहीं ली। पर खेतड़ी नरेश ने स्वामी जी की माँ भुवनेश्वरी देवी और उनके पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर विदेश प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद को घर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। स्वामी जी का जो गर्भधारिणी माता जी थे, उनका कुछ संसाधन नहीं था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने संन्यास ले लिया था, तो उनके लिए भी राजा जी ने पूरा जीवन उनको आर्थिक सहायता किए थे। खेतड़ी से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद समेत पश्चिम और दक्षिण भारत के अनेक इलाकों का दौरा करते हुए स्वामी विवेकानंद ने मद्रास, त्रिवेंद्रम, रामेश्वरम और कन्याकुमारी की यात्रा की।
स्वामी जी ने अपनी माँ को, माँ मतलब श्री शारदा माता जी को एक पत्र लिखा था कि माँ मेरे को ऐसा जाने का एक प्रस्ताव मिला है अपने अंदर से भक्तों से, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ आप बोलिए। और माँ ने उस पुत्र को पत्र को पढ़ा और कहा कि तुम अवश्य जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारे साथ श्री श्री ठाकुर हैं, मतलब स्वामी श्री रामकृष्ण देव हैं। और ऐसा करके ऐसा उनके पास पत्र आया और स्वामी जी बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि उनकी जो जीवन की घटनावली है उसमें एक वर्णन आता है कि स्वामी जी उस पत्र को लेके मानो नृत्य करने लग पड़े। स्वामी जी पहले जब उतरे थे केरल में, स्थान का नाम है शोरनूर, उतर के वहाँ से वे वहाँ बोट में आए और त्रिचूर होके वहाँ से इधर त्रिवेंद्रम आए। यहाँ 9 दिन रहे थे, दिसंबर 19 से 28 तक 9 दिन थे इधर, और उसके बाद यहाँ से गए कन्याकुमारी। ये हॉस्पिटल यहाँ 1940 एकदम फुल स्विंग में काम करने लगे, और इधर पहले इंडोर चालू किए, उसके बाद ज़्यादा मेटर्निटी का बहुत ज़रूरी था मेटर्निटी चालू किए। उसके बाद ये यहाँ की मनोवैज्ञानिक जो साइकेट्रिक पेशेंट्स का बहुत आने लगे, तो उन्होंने सेकेंड डिपार्टमेंट साइकेट्रिक डिपार्टमेंट किया, उसमें ज़्यादा है वो मेंटल डिप्रेशन और डी एडिक्शन। भारत के सुदूरवर्ती दक्षिणी क्षेत्र में स्थित कन्याकुमारी, जो 3 महासागरों का संगम भी है, यहाँ स्वामी विवेकानंद ने अपना एक महत्वपूर्ण पड़ाव डाला था। यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी अपने योगी जीवन की, और यहीं से शंखनाद किया था भारत की एक नई खोज का। शिकागो के लिए प्रस्थान करने से पहले अपनी अंतिम भारत यात्रा के चरण में उन्होंने कन्याकुमारी के मंदिर में साधना की और मंदिर से कुछ दूरी पर समुद्र के बीच स्थित एक शिलाखंड में बैठकर ध्यान भी किया। 25, 26 और 27 दिसंबर 1892 इतिहास की वो गवाह तारीख, जिन दिनों स्वामी विवेकानंद ने इसी शिला पर बैठकर ध्यान किया था और विश्व विजय की कल्पना की थी। यहीं पर उन्होंने पश्चिम के देशों में जाकर भारतीय धर्म दर्शन और आध्यात्म के प्रचार प्रसार का फैसला लिया। यह फैसला लेने के बाद स्वामी जी ने वहां से मदुरा और रामेश्वरम होते हुए मद्रास जाने का भी फैसला लिया। स्वामी जी के जो मद्रास के शिष्य हैं, जैसे आलसिंगा पेरुमल, नंजुंडा राव कीडी, जिनका असल में नाम था सिंगार वेलु मुदलियर, वो और उसके अलावा और भी 4-5 जो बहुत उनके घनिष्ठ बाद में उनके मित्र बने या फिर उनके शिष्य बने, तब उसी समय स्वामी जी की उनके साथ भेंट यहाँ पे हुई। इसी दौरान स्वामी जी ने जब निश्चय किया कि वे जाएंगे अमेरिका में शिकागो नगरी में जो धर्म महासभा का सम्मेलन होने वाला है, तब आलसिंगा पेरुमल ने सब जगह यहाँ पे ही मद्रास में घूमकर घर घर में जाके पैसा एकत्रित किया। मद्रास में अपने मेजबान आलसिंगा पेरुमल की मदद से शिकागो अभियान को मूर्त रूप दिया गया। अंततः 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद मुंबई से एक जलपोत के माध्यम से शिकागो की यात्रा पर निकल पड़े। आलसिंगा पेरुमल यहाँ के स्कूल के एक अध्यापक थे, वो साइंस पढ़ाते थे। उनकी स्वामी जी के प्रति एक अगाध श्रद्धा थी। वो है तो बड़े ही श्री वैष्णव संप्रदाय के थे, बहुत लंबा एक तिलक लगाते थे। उनके मन में आया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सन्यासी, कोई धार्मिक गुरु
हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व कर सकता है तो वो है स्वामी विवेकानंद। अंततः 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट के विशाल सभागार में 7,000 श्रोताओं की उपस्थिति में अपना ऐतिहासिक भाषण देकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के तमाम श्रोताओं को अपना दीवाना बना दिया। स्वामी विवेकानंद के साथ जुड़ी जो भी घटनाएं हैं उनका एक अपना ही महत्व है। देखिए, स्वामी जी गए अमेरिका में और बोले जिस तारीख को, जिसको आजकल हम 9/11 कहते हैं, लेकिन जब स्वामी जी ने जब बोला था तब किसी ने सोचा नहीं था 9/11 होगा। आज हम जो स्वामी विवेकानंद को पाते हैं वो हम सबसे पहले उनको जाने थे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, उनका जो एक जो हिस्टोरिक स्पीच था उससे ही स्वामी जी पब्लिक डोमेन में आए, आम जनता का नज़र में आए। मगर स्वामी जी की मेकिंग जो हो रहा था वो ये भ्रमण के दौरान ही हो रहा था। स्वामी विवेकानंद दिसंबर 1896 तक अमेरिका और यूरोप में रहे। इस बीच यूरोप के कई विद्वानों से उनकी मुलाकात भी हुई, इनमें जर्मन विद्वान मैक्स मुलर और पॉल डायसन के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी अवधि में कई विदेशियों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, इनमें कैप्टन सेवियर और उनकी धर्मपत्नी के अलावा मार्गरेट नोबल खास हैं। मार्गरेट नोबल ही बाद में भगनी निवेदिता कहलाईं और कैप्टन सेवियर ने इंग्लैंड की अपनी तमाम संपत्ति बेचकर स्वामी विवेकानंद की इच्छा के अनुसार अल्मोड़ा के पास मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। कैप्टन सेवियर और मिसेस सेवियर ने उनके पास जो जमा पूंजी थी उस पैसे से उन्होंने चाय का बागान था एक, उस चाय के बागान को खरीद लिया मायावती में, और वहाँ उन्होंने ये दो काम किए, एक तो अद्वैत आश्रम की स्थापना जहाँ पर कोई मंदिर नहीं होगी, कोई पूजा नहीं होगी, केवल जो मानव धर्म की सेवा का सिद्धांत है उसको लिया जाएगा। 19 मार्च 1899 में ये खरीदा था। उससे पहले यहाँ पर एक कर्नल मैग्रेगर रहा करते थे, एक ब्रिटिशर, उनका यहाँ पर टी एस्टेट था। ये जो आप बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर देख रहे हैं उस समय कुछ नहीं था, खाली टी बुशेस थे, अभी भी आपको मिलेंगे, 150 साल के बाद ये भी मिलेंगे। तो फिर उन्होंने यहाँ पर आश्रम स्टार्ट किया कैप्टन और मिसेस सेवियर ने, और स्वामी स्वरूपानंद जो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे वो यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने, और हमारे जो यहाँ से एक मंथली मैगजीन निकलता है उसका नाम है प्रबुद्ध भारत। भारतवर्ष में सबसे पुरानी मंथली मैगजीन है ये, 117 साल से इसकी प्रकाशना चल रही है यहाँ से। जो अंतिम उत्तराखंड यात्रा है, जो उत्तराखंड की 5वीं यात्रा है और चंपावत, लोहाघाट और मायावती की पहली और अंतिम यात्रा है, वह यात्रा एक तरीके से उन सब सपनों की पराकाष्ठा थी जो उन्होंने हिमालय में और भारत के अन्य इलाकों में घूमते हुए और स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में घूमते हुए अपने शिष्य से बात करते हुए देखा था कि हिमालय में एक आश्रम की स्थापना करने का, एक मठ की स्थापना करने का, जिसको उन्होंने अद्वैत आश्रम दिया था। इस बीच एक दुर्भाग्य ये हुआ था कि जो प्रबुद्ध भारत के संपादक थे नय्यर साहब, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद ये था कि संपादन कैसे हो, और इस तरीके से 1898 में अल्मोड़े से उसका संपादन होने लगा था। एक दो साल बाद फिर वो चंपावत यानी कि मायावती से फिर उसका प्रकाशन होने लगा था। स्वामी विवेकानंद जी यूरोप में घूम रहे थे, उस समय वो लगभग कहीं ग्रीस या टर्की में थे। उनको सडनली एक इंट्यूशन आ गया, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग इन मायावती। और जब वापस उन्होंने सब प्रोग्राम कैंसिल करके जब बॉम्बे से बेलोमठ आ गए, फिर उनको मालूम पड़ गया कैप्टन सेवियर का देहांत हो गया। उन्होंने वहाँ से एक टेलीग्राम भेज दिया यहाँ पर मायावती में, उनके शिष्य स्वामी विरजानंद जी यहाँ से कुछ लोग लेके काठगोदाम में उनको वहाँ पर रिसीव करके फिर यहाँ पर ले आया। और स्वामी विवेकानंद यहाँ मायावती में 3 जनवरी 1901 को पहुँचे और यहाँ पर 16 दिन वो रहे थे। उत्तराखंड हिमालय की रमणीक पहाड़ी के बीच स्थित यह मायावती आश्रम स्वामी विवेकानंद की उत्तराखंड यात्रा का अंतिम पड़ाव था। इस आश्रम में
उन्होंने 14 दिन तक रहकर अध्ययन किया, लेखन और पठन पाठन किया। इस आश्रम की स्थापना उनके एक विदेशी शिष्य कैप्टन सेवियर ने की थी, और यह भी एक अजीब विडंबना ही कही जाएगी कि कैप्टन सेवियर की मृत्यु के बाद 1901 में स्वामी विवेकानंद का यहाँ आना हुआ। यह आश्रम स्थापित किया गया था इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वैदिक साहित्य, संस्कृति, आध्यात्म और वेदांत का प्रचार प्रसार किया जाए। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और उनके विचारों की गहराई को गंभीरता से समझने के क्रम में हमने भारत के जिन प्रमुख स्थलों का दौरा किया उनमें कोलकाता खास है। विवेकानंद के जीवन का ज़्यादातर समय इसी शहर में बीता था। विदेश प्रवास के बाद भारत वापस लौटने पर इसी शहर के बेलूर गांव में गंगा नदी के तट पर उन्होंने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण और उनकी आध्यात्मिक सोच को चिर स्थायी बनाने के उद्देश्य से ही रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की थी। स्वामी जी का काफ़ी मिस्टिक एक्सपीरियंस हुआ इसके बारे में, और उसके बाद स्वामी जी ने कहा, जो मैं कन्विंस्ड हूँ, जो हमारे गुरु महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस देव बेलूर मठ में प्रतिष्ठित हुआ। राजा जी ने बेलूर मठ के लिए भी कुछ आर्थिक सहयोग किए थे, तो सभी ओर से राजा अजीत सिंह जी स्वामी जी का जैसे शिष्य भी थे और मित्र भी थे, और सभी ओर से उनका जो पूरा सहयोग भी करते थे। इसी मठ में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे और अंत में यहीं महासमाधि भी ली थी। गंगा नदी के इस पार इसी जगह स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में बेलूर मठ की स्थापना की थी। यह वही जगह है जहां बाद में स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि भी ली थी, और इस नदी के उस पार दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस ने ही स्वामी विवेकानंद को दीक्षा दी थी। स्वामी जी जब भारत पहुंचे अपनी पाश्चात्य यात्रा के बाद, उनकी जो विजय यात्रा है मान लीजिए, वो पहले पहुँचे कोलंबो, फिर कोलंबो से रामेश्वरम आए, वो थी 26 जनवरी 1897। 1 मई 1897 को विशुद्ध आध्यात्मिक और मानवतावादी सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए रामकृष्ण मिशन का विधिवत गठन किया गया था। 1897 से लेकर 4 जुलाई 1902 तक अपने महानिर्वाण की अवधि के दौरान स्वामी विवेकानंद का भारत भ्रमण जारी रहा। इसी संदर्भ में उनकी कोलंबो से अल्मोड़ा तक की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 5 बड़ी यात्राएं उत्तराखंड की कीं, इतनी बड़ी यात्राएं उन्होंने, इतनी संख्या में इतनी अधिक यात्राएं किसी और क्षेत्र की नहीं की। ये 5 यात्राओं में से पहली यात्रा उनकी हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए टिहरी की हुई, और टिहरी में उन्होंने गए वो, लेकिन टिहरी में दुर्भाग्य से वो बीमार हो गए, और उनका जो टिहरी से आगे जाने, एक तरीके से जो तिब्बत के बॉर्डर तक जाने का उनका इरादा था, गंगोत्री तक जाने का इरादा था, उसमें वो फेल हो गए। मई 1890 को जब स्वामी विवेकानंद काठगोदाम से नैनीताल होते हुए अल्मोड़ा की ओर जा रहे थे, तब कोसी और सिरोता नदी के
इसी संगम पर बसे इसी पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने साधना की थी, और इस साधना के बाद उनको यह दिव्य अनुभूति हुई कि संपूर्ण विश्व एक और अखंड है तथा सूक्ष्म परमाणु और विराट ब्रह्मांड प्रकृति के एक ही नियम से बने हैं। 1890 में जब, क्योंकि काठगोदाम तक तो वो ट्रेन में आए, उसके बाद पैदल, उस समय तो और कोई साधन नहीं था, तो काकड़ी घाट में एक शिव मंदिर है, तब भी था आज भी है, पीपल के पेड़ के नीचे समाधिस्थ हो गए। उनके साथ अखंडानंद जी थे, तो अखंडानंद जी लिखते हैं कि विवेकानंद जो थे तब तो नरेंद्रनाथ के नाम से ही जाने जाते थे, नरेंद्रनाथ समाधिस्थ हो गए और कई मुहूर्त उनका ऐसे ही शांत उसमें बीत गया। जब उनको संज्ञान हुआ तो अखंडानंद जी पूछा क्या हुआ, बोले देखो अखंडानंद मुझे तो ऐसा लगा कि एक शुभ मुहूर्त व्यतीत हो गया। तो बोले क्या हुआ, तो उन्होंने उठाया, बगल में कुछ डायरी रखी हुई थी, बंगला में लिखा, उसमें जो लिखा उन्होंने उसमें लिखा कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पुराणों में जिसका जिक्र है कि जो इस शरीर के अंदर परमाणु है उसमें वो जो है वही कॉस्मोस में है। तो माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म का जो संज्ञान उनको यहाँ हुआ वही उनके शिकागो लेक्चर का एक वृहद अंश बना, और हम इसको इस तरह से पाते हैं कि माइक्रोकॉस्म मतलब शरीर के अंदर जो कॉस्मोस है वो, और बाहर ब्रह्मांड में जो कॉस्मोस है वो। साइंटिफिकली जो सिमिलैरिटी उन्होंने उस समय 1890 में जुलाई अगस्त के किसी समय, मॉनसून था उस समय, जो उनको संज्ञान हुआ और शिकागो में जो लेक्चर दिया, कहीं ना कहीं जो हिग्स बोसॉन और गॉड पार्टिकल की बात आज हम कर रहे हैं, जिसका प्रतिपादन आज 4 जुलाई 2012 को यूरोपीय वैज्ञानिकों ने किया, एकदम सिमिलर है। जो स्वामी जी पहली बार जब नरेंद्र थे, स्वामी विवेकानंद नहीं थे, और वो पहली बार जब अल्मोड़ा आए, तो जब गर्मियों के दिन में जब काठगोदाम से अल्मोड़ा की तरफ निकल रहे थे, जब नज़दीक अल्मोड़ा के नज़दीक पहुँचे तो इस जगह पर स्वामी जी गर्मी के मारे उनको प्यास लगी और थोड़ा वो फेंट हो गए, तो उसी बीच में उनके जो गुरु भाई थे वो पानी की तलाश में गए, तो यहीं पर एक मुस्लिम कब्रिस्तान में काम करने वाला एक व्यक्ति वो आया, उसने देखा कि स्वामी जी यहाँ पर बेहोश पड़े हैं, तो उन्होंने पानी का चीटा उटा दिया, तो स्वामी जी ने उससे कहा मुझे को पानी की प्यास लग रही है, तो उसने कहा सर आप तो हिंदू हैं, मैं मुसलमान फ़कीर मतलब मजदूर आदमी हूँ, मैं भला आपको पानी कैसे दे सकता हूँ। स्वामी जी कहा भाई मैं जात पात नहीं मानता, आप मुझे कहा आप मानो ना मानो लेकिन मैं मानता हूँ। तो अपने खेत से एक हीरा, बंगाली में सोसा कहते हैं उसको, वो लाया। जब वो 1897 में यूरोप से लौट कर आए और एक भारी जन समागम अल्मोड़ा में खड़ा था उनको वेलकम करने के लिए, तो उस मुसलमान फ़कीर को जुल्फ़िकार अली साहब को वो वहीं से पहचान गए दूर से, वो पीछे खड़े थे जुल्फ़िकार अली, तो बोले इतने दूर क्यों खड़े हो भाई साहब, और उसको निकाल के लाए, गले से लगाया, डायस पे ले आए, और वहाँ पर जितनी जनता खड़ी थी सबसे परिचय कराया कि 1890 में इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई थी। ऐसे व्यक्ति को जिनको जिन्होंने पहली यात्रा में उनको पानी और ककड़ी दी थी, उस व्यक्ति के साथ उनका जो उस व्यक्ति को उन्होंने 7 बाद बहुत अच्छी तरीके से अपनी अल्मोड़ी की दूसरी यात्रा में, उत्तराखंड की तीसरी यात्रा में पहचान लिया। पहाड़ों से अपने खास लगाव के कारण स्वामी विवेकानंद ने हिमालय उत्तराखंड की अपनी यात्राओं को खास बना दिया था। 1897 में स्वामी जी अल्मोड़ा से घुड़सवारी करके देवलदार चले जाते, ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल मैन, कई लोग ताजुब करते थे साधु बड़ा गजब का है ये। अमेरिका से लौटने के बाद अमेरिका के प्रेस में उनकी बड़ी आलोचना भी हुई, जैसा होता है जनरली, क्योंकि वो एक भारतीय थे और वो एक अमेरिका का में वो इतना विश्व विजय करके लौटे थे, तो उनके लौटने के बाद बड़ी आलोचनाएं हुई, तो यहाँ से बैठ के देवलदार में बैठ के जो पत्र वो लिखते थे वो सीधे अमेरिका वो प्रेषित कर देते थे, और लिखते लिखते उनका उनकी ये स्थिति हो गई कि एक स्टेटस पे जाके अमेरिकन प्रेस को अपोलोजाइज करना पड़ा। जी विवेकानंद जी यहाँ आए थे सुना था हमने पहले, और उनके और जो यहाँ शिष्य लोग आते हैं कई बार आए हैं, बार बार यहाँ पर आते रहते हैं, तो अभी जो है उस वक्त में तो बहुत बढ़िया था स्टेट, बहुत अच्छी थी जहाँ तक हम लोगों ने देखा, तो अभी स्टेट की हालत आप देख ही रहे हैं वर्तमान में, ये जो है खंडहर ही हो गया लगभग लगभग, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब स्टेट नाम की कोई कुछ दिखता ही नहीं है, बाकी जो खाली अवशेष हैं वो दिखाई देते हैं। अल्मोड़ा शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बियाबान घने जंगल के बीच
स्थित इस कसार देवी मंदिर का स्वामी विवेकानंद के जीवन से गहरा संबंध रहा है। कहते हैं कि एक बार अल्मोड़ा प्रवास के दौरान उन्होंने अपने मेजबान बद्री शाह से इसके बारे में जानकारी ली और यहां आकर साधना की। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं अपने पुस्तक माय मास्टर एज आई सॉ हिम में कि विवेकानंद उनको बताते हैं कि कसार देवी नामक स्थान पर उनको ये उपलब्धि हुई कि इस देश में मातृशक्ति को शिक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। जब अल्मोड़ा स्वामी जी के 3 बार अल्मोड़ा आगमन हुआ, पहली बार जब वो 1890 में आए थे तब वो सिंबुल पर एक परिभाजक थे नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में, और उनके संग उनके गुरु भाई स्वामी अखंडानंद और स्वामी तुर्यानंद जी थे। तो वो लोग जब अल्मोड़ा आए तो उस समय अल्मोड़ा के एक लोकल बासिंदे लाला बदीशा ठुलगरिया हुआ करते थे, जिनके अतिथि के रूप में स्वामी जी पहली बार जब अल्मोड़ा आए तो उन्हीं के घर जा रहे थे। कसार देवी अल्मोड़ा से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर है। ये अल्मोड़ा शहर ऐसा है, बहुत पुराना शहर है, इसके चारों तरफ देवियाँ स्थापित हैं, उनमें एक कसार देवी भी मुख्य है। तो स्वामी जी उसी रस्ते में, चूँकि वहाँ आपके पाताल देवी उनके गुरु भाई स्वामी अखंडानंद रह रहे थे और वहाँ जाते थे, वहीं से वो कसार देवी जब चले गए, कसार देवी गए तो वहाँ उनको बड़ा सुंदर वो वातावरण लगा, वहाँ उनका ध्यान लग गया। तो करीब 14-15 दिन स्वामी जी वहीं छोटी सी कैब मंदिर के पास हम लिखी होगी वहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया कि करीब 14-15 दिन बाद स्वामी जी अल्मोड़ा आए तो उन्होंने बदीशा को कहा कि इतनी सुंदर वो जगह है जहाँ से पूरा हिमालय दिखाई दे रहा, और मेरा इतना अच्छा ध्यान लगा कि मैं इतने दिन वहाँ रहा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, देहरादून, ऋषिकेश, कनखल समेत अनेक स्थानों में स्थापित रामकृष्ण मिशन इसकी जीती जागती मिसाल है। 1890 में उनका उत्तराखंड आगमन हुआ, उस समय उनको कोई जानता नहीं था, और वो रेल से काठगोदाम आए और काठगोदाम से वो नैनीताल आए, और ये उनकी नैनीताल की अकेली पहली और अंतिम यात्रा थी। नैनीताल में भी शारदा मिशन के नाम से पंगोट में एक ऐसा आश्रम स्थापित है जहां स्वामी विवेकानंद के विचारों को अभिव्यक्ति दी गई। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे योगी, सन्यासी और देशभक्त भारतीय थे जो कर्म में विश्वास रखते थे और मानवता की सेवा उनके लिए सर्वोपरि थी। मैं देख रहा हूं खुद एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है, शुरुआत हो चुका है स्वामी जी के नाम की। A new revolution has been started the name of Swami Vivekananda. यही देश कितनी गलतियां किया। The greatest blunder he did was in not accepting Vivekananda fully. उन्होंने तो 1902 साल में शरीर त्यागा, 1902 he gave up his body. लेकिन उसकी बात क्या, 110 साल बीत गया, अभी तक हम लोग ठीक ढंग से उनकी वाणी के अनुसार अभी तक काम पूर्व मात्रा से चालू नहीं किया। उनके महानिर्वाण के बाद कुछ लोगों, संस्थाओं और संगठनों ने उनको धर्म, राजनीति, जाति, क्षेत्र और वर्ग विशेष के संकुचित दायरों में समेटने की कोशिश जरूर की, पर उनके लिए तो सिमुलिया मोहल्ले के फुटपाथ पर बैठे साधारण व्यक्ति से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठे वहां के राष्ट्रपति तक सभी तबकों के इंसान एक जैसे थे।